चलिए चलिए बात करते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में। नहीं नहीं, अब मैं कोई क्रिकेट के बारे आपको ज्ञान नहीं देने वाला, आफ्टर ऑल बी स्टिल अभी भी सेल गुरु ही है। मैं बात कर रहा हूँ ऑलराउंडर्स इन द स्मार्टफोन वर्ल्ड। ये जो टर्म है ना, आजकल बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली टू डू विद स्मार्टफोन्स। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, हम लोग सब बात करते हैं हाई एंड प्रोसेसर्स की, कैसे उनमें सब कुछ पैक्ड है, फ्लैगशिप स्मार्टफोन, बेस्ट इन क्लास फीचर्स, टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस। बट एक दूसरी साइड पे एक बहुत बड़ी मार्केट है और वो है बजट या इकोनॉमी ऑफरिंग। यहाँ पर जो फोन्स है ना, वो स्काई हाई प्राइसेस पे नहीं है, 1 लाख के नहीं है, और उनमें जो प्रोसेसर्स आते हैं दे कम ऑन अ बजट, लेकिन फिर भी दे मैनेज टू गिव यू अ कंप्लीट ऑलराउंड एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस दैट यू डिजर्व। इनको कहते हैं टेक ऑलराउंडर्स। अब देखिए, हर साल विद द पासिंग ईयर बजट स्मार्टफोन्स कंटिन्यू टू गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ये प्रोग्रेस जो है कभी कभी कैमरा में होती है, कभी स्क्रीन या डिस्प्ले, कभी बैटरी में, लेकिन जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है इट इज़ एक्चुअली इम्प्रूव्ड। हर बार जब नया जनरेशन ऑफ डिवाइसेज आते हैं बहुत इंप्रूवमेंट्स आती है। हमारे को क्या चाहिए? हमारे को चाहिए द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑन आर फोन। जो भी हमारा बजट हो, हमारे को उसमें बेस्ट चाहिए। हमको चाहिए वी कैन कनेक्ट टू आर नेटवर्क फास्टेस्ट स्पीड्स में, नेटवर्क में हम कनेक्ट करें, सीमलेसली वेब ब्राउजिंग कर लें, कितने भी ऐप्स खोल लें, फेवरेट गेम्स हम लोग खेल लें, कोई लैग नहीं आना चाहिए, कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं आनी चाहिए। हमारे को चाहिए हम लोग ग्रेट पिक्चर्स लें, ग्रेट वीडियो शूट करें, हमारी जो सोशल मीडिया इट शुड शाइन व्हेन वी एक्चुअली पोस्ट दोज पिक्चर्स एंड वीडियोज आउट देयर। ये जो ईरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वी वॉन्ट आवर फोन्स टू बी रियली स्मार्ट एंड टू बी एबल टू परफॉर्म जितना AI टास्क है आराम से करें। और फिर सबसे बड़ा अब है 5G कनेक्टिविटी, कैसे इसके बारे में भूल सकते हैं, ये है हमारा फ्यूचर। अगर आज आप एक फ़ोन खरीद रहे हैं 2021 में, तो 5G इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू वांट टू लुक एट। देखिए, बजट स्मार्टफोन्स में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है, कभी कैमरा इतना अच्छा नहीं होगा, कभी स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन हार्डवेयर जो फ़ोन में वो लोग डालते हैं काफ़ी अच्छा होता है, सॉफ्टवेयर यूजली लेट डाउन होता है। कुछ मैन्युफैक्चरर जो है अपने डिवाइस को ना बेंचमार्क्स के साथ दिखाते हैं, नंबर्स के साथ दिखाते हैं कि गेमिंग सेशन में ये हो रहा है, आ फोन इज़ फास्टेस्ट, लेकिन ये सब जो है ना ये नंबर्स में ही रह जाते हैं। नॉट एवरी डिवाइस इज एबल टू गिव अ कंप्लीट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एवरी सिंगल एस्पेक्ट। एट द एंड ऑफ द डे हमारे को क्या चाहिए? स्मार्टफोन से गुड यूजर एक्सपीरियंस इन एवरी विच वे। लेकिन जो है स्मार्टफोन की जो दुनिया है ना, उसमें कुछ फर्क है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द PC मार्केट। वहां पे हम लोग पिक एंड चूज कर सकते हैं अपना स्पेक्स, अपना हार्डवेयर, लेकिन जो ब्रांड्स हैं स्मार्टफोन्स के, वो यूजली सब कुछ बंडल करके हमारे को देते हैं, थोड़े बहुत ऑप्शन दे देते हैं स्टोरेज या रैम। मैन्युफैक्चरर्स के पास कंप्लीट कंट्रोल है हार्डवेयर का, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि नहीं, हमारा एक्सपीरियंस एक लेवल और आगे जाए, हमारा डिवाइस शुड बी रेडी फॉर द फ्यूचर। हमने देखा है यूजली जो है द मेन रोल इन अ फोन इज प्लेड बाय अ प्रोसेसर, पिवोटल रोल होता है फॉर आवर ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस। प्रोसेसर ही है दैट ऑल डज ऑल दिस हैवी लिफ्टिंग, बैलेंस करता है, ऑप्टिमाइज करता है वेरियस एक्सपीरियंसेस टू मेक आवर ओवरऑल एक्सपीरियंस बेटर। तो अगली बार जब आप परचेज कर रहे हैं ना योर नेक्स्ट स्मार्टफोन, मेक श्योर यू एक्चुअली लुक एट द प्रोसेसर और देखें कि उसमें 5G है कि नहीं, बिकॉज यू हैव टू बी रेडी फॉर द फ्यूचर। एक और चीज ऑफकोर्स, लुक एट द प्राइस। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा एम्फोसिस आज है ऑन द बजट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। हाउ मच शुड यू एक्चुअली पे फॉर अ फोन टू गेट द एक्सपीरियंस यू डिजर्व। अब इतनी चॉइसेस हैं मार्केट में, इतनी सारी चीज़ें हमारे को चाहिए और अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट्स में हम लोग को चाहिए। वॉट वी रियली नीड इज अ ट्रू ऑलराउंडर डिवाइस। ऑलराउंडर डिवाइस इज एग्जैक्टली वॉट द न्यू स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर इज ऑल अबाउट। देखिए, बजट है ये, बजट ऑफरिंग है ये, 5G केपेबल है ये, कमाल की बात है इस प्राइस पॉइंट पे। बहुत स्ट्रॉन्ग AI कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी ग्राफिक्स हैं इसमें, रेंडरिंग बहुत अच्छी है, बहुत इनेबल करता है अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले, सुपीरियर कैमरा है, ट्रिपल ISP है, सुपर फास्ट ब्राउजिंग कैपेबिलिटी है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह करता है। लेकिन ये जो बजट का मैंने आपको एक इसमें ब्रांडिंग दे दी है, डोंट गेट फूल्ड बाय दैट। इसकी पोजिशनिंग ज़रूर 400 सीरीज प्रोसेसर में है बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट, बट इट परफॉर्म्स इनक्रेडिबली वेल। यू विल नेवर क्वेश्चन कि इसकी कैपेबिलिटीज़ अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन आप ज़रूर सवाल उठाएंगे, उनकी ये 400 सीरीज चिप क्यों है? वाई नॉट 600, 700 सीरीज प्रोसेसर बेस्ड ऑन इट्स कैपेबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस? तो आइए बात करते हैं क्वालकॉम से, पता करते हैं, लेट्स फाइंड आउट अबाउट दिस ऑल न्यू स्नैपड्रैगन 480 जो उनका लेटेस्ट बजट प्रोसेसर है विद 5G कैपेबिलिटीज इन द वेरी प्रेस्टिजियस स्नैपड्रैगन लाइनअप। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्नैपड्रैगन 480 जो ऑलराउंडर हम कह रहे हैं, ये कैसे इतना ऑलराउंडर बना, एंड व्हाई इट्स नॉट जस्ट समथिंग दैट जस्ट डज वन थिंग वेल। सब कुछ कैसे इतना अच्छा करता है?
Come, let's talk to Ken Mock, Director, Qualcomm Product Management. Thank you so much for joining us on the show. Hello, Madhuri. Thank you for having me. My entire focus is on the Snapdragon 480, and what I really want to know is that why should consumers buy smartphones based on the Snapdragon 480? The Snapdragon 480 is our first 5G mobile platform in the 4 series. It brings a truly global 5G connectivity with sub-6 and millimeter wave band support into the masthead, along with a huge leap in performance and brand new features that we are bringing in for the first time into the mass tier. Just to give you a few examples on the great features that are supported in the 480. It integrates a great camera that can take a snapshot for up to 64 megapixel, and it has a triple ISP, image signal processor, that can take 3 pictures concurrently. Some people have compared this with other processors and have questioned the use of 8nm technology for the Snapdragon 480. The choice of the process technology is very important, and we made the decision on 8nm after much consideration. What we were trying to do was to balance out power, performance, cost, and several other important factors. We are very confident that we have made the right choice in 480 in terms of the process, technology, and the overall design of the product. Why is this processor positioned in the 400 family when the performance is closer to maybe a Snapdragon 700 series processor? Our focus at Qualcomm is to innovate the latest technology in the premium and high tier, and at the same time, we try to waterfall these great features into the lower tier in a short amount of time. That allows us to bring amazing products that were only available in the higher price point and higher tier to a much more affordable level. Thank you so much. That was excellent knowledge for me also. Thank you for joining me on the show. So, let's talk about Tasleem Arif, Vice President and R&D Head for Oppo India. Thank you, Rajiv. It's always great to connect with you. Tasleem, thank you so much for joining me on the Cell Guru Show. And बहुत बड़ी congratulations आपको जो आपने launch किया Oppo का A74 5G. ये पहला smartphone है based on the Snapdragon 480 in India. बहुत ही अच्छा design है, बहुत अच्छे features हैं. But can you tell me what the consumer can expect from the device? Oppo A74 5G एक beautiful device है जो user के lifestyle को enhance करता है. इस डिवाइस में हमने वो सभी फीचर्स रखे हैं जो इस प्राइस सेगमेंट में किसी भी डिवाइस में अवेलेबल नहीं है, चाहे वो गेमिंग एक्सपीरियंस हो, कैमरा क्वालिटी हो, डिवाइस परफॉर्मेंस हो या बैटरी एक्सपीरियंस. A74 5G पावर्ड विद स्नैपड्रैगन 480 जो इस प्राइस सेगमेंट में इस डिवाइस को सबसे अलग बनाता है. A74 5G एक ट्रिपल कैमरा के साथ पावर्ड विद स्नैपड्रैगन स्पेक्ट्रा 345 ट्रिपल ISP प्लस AI एनहांस फीचर जो इस डिवाइस को एक बेहतरीन फोटो लेने के लिए सबसे बेहतर डिवाइस बनाता है. ऑल इन वन ओप्पो A74 5G एक ट्रू ऑलराउंडर डिवाइस है जो कंज्यूमर के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और यूजर इसको कई सालों तक यूज कर सकता है. तस्लीम, ये सवाल बहुत आता है हमारे पास कि कंज्यूमर्स क्यों खरीदें 5G फोन जबकि हमारे पास यहाँ पे कोई 5G का नेटवर्क ही नहीं है, और ओप्पो ने क्या स्टेप्स लिए टू इंश्योर अ ग्रेट एक्सपीरियंस जब तक नेटवर्क्स नहीं अवेलेबल होते? मैं इस क्वेश्चन का जवाब 3 पार्ट में दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से बहुत रेगुलरली पूछा जाता है. पहला पार्ट, एज ए ओप्पो ब्रांड आपको पता होगा कि हमने कई सारे 5G इनोवेशन किए हैं. वी आर वन ऑफ द फ्यू स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर जो 2015 से 5G स्टैंडर्डाइजेशन पे काम कर रहे हैं. और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न, हमारा अपना ओप्पो इंडिया R&D सेंटर हैदराबाद में है जहाँ पे हमारा अपना 5G लैब सेटअप है. इस 5G लैब में हमने इंडिया का पहला व्हाट्सएप कॉल 5G कॉल किया था. और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है कि ये जितने भी 5G डिवाइसेज आते हैं इसमें सिर्फ 5G नहीं बट उसमें कई सारे एडिशनल फीचर भी आते हैं, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो, कैमरा से रिलेटेड हो, मेमोरी से रिलेटेड हो या 4G एक्सपीरियंस रिलेटेड हो. ये सारे एक्सपीरियंस को बेटर बनाता है. तस्लीम, व्हाट इज द रिस्पांस फ्रॉम कंज्यूमर्स ऑन अफोर्डेबल 5G? इज दिस द वे टू गो इन द फ्यूचर? पिछले कई सालों से इंडियन कंज्यूमर हैव इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली. एज सच दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट ऑन न्यू टेक्नोलॉजी एंड बिकम ए फ्यूचर प्रो. हमारा अपना 5G इंडिया लैब सेटअप जो कई सारे पाथ ब्रेकिंग 5G इनोवेशन और एप्लीकेशन पे काम कर रहा है. वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि इंडिया में जब भी 5G नेटवर्क आए ओप्पो यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके. इंडिया में इसका बहुत डिमांड है एंड यूजर्स आर वेरी एक्साइटेड टू हैव द 5G स्मार्टफोन.
इंडिया में यूजर जब भी आप 5G फोन खरीदने कोई भी डिवाइस खरीदने जा रहा है देन 5G रेडीनेस इज वन ऑफ द टॉप 3 कंसीडरेशन फॉर मेकिंग सच अ प्रोडक्ट चॉइस। थैंक यू सो मच तस्लीम, आपने मुझे ज्वाइन किया।